रात यहीं पे कैंपिंग करी थी मैंने। क्या नाम है जहाँ पे हम जा रहे हैं टेम्पल का? श्रीकालाहस्ती। श्रीकालाहस्ती तो सामने से कुछ ऐसा नजर आ रहा है टेम्पल का। तो भाइयों आंध्र प्रदेश को क्रॉस करके आ चुका हूँ तमिलनाडु। हम खा रहे हैं इडली ना अंकल? इडली नहीं, थैंक यू। तो भैया रात दर्शन हो चुके थे और रात यहीं पे कैंपिंग करी थी मैंने। ये कुछ नज़ारा है यहाँ से। भाइयों ने हेल्प करी थी, थोड़ा सा बैग वगैरह इनके पास ही रख दिया था मैंने, फिर वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लिया और यहीं इसी के नीचे कैंपिंग करी थी रात। और अब चल रहा हूँ चेन्नई की तरफ। तो ये फ्री गाड़ी है, ये जो बसेस देख रहे हो आप ये सारी फ्री बसेस हैं जो तिरुमाला के अंदर आपको फ्री में आप इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हो इनकी मदद से। इसे रिचेस्ट टेंपल भी बोलते हैं तिरुपति बालाजी को, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा फंड रेज होता है, लोग बहुत कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो रोड पे आ चुका हूँ और वो फाइनली एक लिफ्ट मिल चुकी है तिरुपति तक की और सर ने लिफ्ट दी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो एक फैमिली ने मुझे लिफ्ट दी थी तिरुमला के ऊपर मंदिर के बिल्कुल पास से टेंपल से, और वो जा रहे हैं क्या नाम है जहाँ पे हम जा रहे हैं टेंपल का? श्रीकालाहस्ती। श्रीकालाहस्ती तो हम लोग जा रहे हैं श्रीकालाहस्ती टेंपल, और वहाँ से चेन्नई भी पास है 117 किलोमीटर के आसपास है, और यहाँ तिरुपति से 134 किलोमीटर तो वो पास पड़ेगा। तो इसके साथ साथ मैं भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन कर लूँगा श्रीकालाहस्ती में। बहुत ही अच्छा टेम्पल है और सर ने मुझे लिफ्ट दी थी, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी लिफ्ट। और ये कुछ ऑफर किया मुझे डोसा, तो अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ मैं अपना। तो मैं आ चुका हूँ श्रीकालाहस्ती टेम्पल में सर के साथ, और बहुत ही सुंदर टेम्पल है और बहुत ही मान्यता प्राप्त टेम्पल है भगवान भोलेनाथ का। ये शिव टेम्पल है, इसे साउथ काशी भी बोला जाता है, और अभी जाके दर्शन करते हैं। यहाँ साउथ में कहीं पर भी टेंपल के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो अंदर के दर्शन मैं नहीं करवा पाऊँगा, बाहर से आपको दिखा देता हूँ। तो ये सामने जो टेंपल देख रहे हो ये श्रीकालाहस्ती टेंपल है, और भगवान भोलेनाथ का टेंपल है। तो इसका मतलब अभी जो समय है शिवरात्रि का समय, महाशिवरात्रि का समय आने वाला है, तो भीड़ देखने को मिलेगी हर एक शिव टेंपल में आपको। तो ये सामने टेंपल में आ चुका हूँ सर की हेल्प से, इस सर की वजह से, वह मैम की वजह से। तो चलते हैं दर्शन करने। तो दर्शन हो चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ चेन्नई की तरफ, तिरुपति। और सर जा रहे हैं तिरुपति की तरफ और मुझे जाना है चेन्नई की तरफ, तो यहाँ से रूट हमारे चेंज हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू। और मुझे बैंगलोर में भी इनवाइट किया इन्होंने, बहुत प्यारे लोग थे यार, बहुत प्यारे। मंदिर में दर्शन भी कर लिए इनकी वजह से और आगे भी आ गया थोड़ा सा। अब तो सामने से कुछ ऐसा नजर आ रहा है टेम्पल का, और श्रीकालाहस्ती टेम्पल के दर्शन करके भगवान भोले का ये टेंपल था, बहुत ही पवित्र टेंपल है। यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ चेन्नई की तरफ, और तिरुपति बालाजी के भी दर्शन हो गए थे कल, और अब जा रहा हूँ चेन्नई की तरफ। तो श्रीकालाहस्ती में भी लिफ्ट का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है और भाई ने मुझे लिफ्ट दी है, और ये पूरा जो रोड है वो पूरा मतलब छोटा सा रोड है, पतला सा, सिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। और अभी मैं जा रहा हूँ सुल्लूरू करके एक जगह है, हाईवे आ जाएगा उसके बाद। तो फाइनली एक लिफ्ट मिली है, भैया ने रोकी है गाड़ी, थोड़ा सा वेट कर रहे अपने फ्रेंड के लिए, फिर उसके बाद चलेंगे इस गाड़ी में। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैया। तो भैया लोगों ने लिफ्ट दी है, इस गाड़ी में जाएंगे अभी। तो भाई लोगों के साथ बैठ चुका हूँ और भाई लोग जा रहे हैं नुल्लूरू पेटा की तरफ, और वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा, फिर वहाँ से हाईवे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं हाईवे पे लिफ्ट ले रहा था तो एक भाई ने रुकवाया, और उन्होंने मेरा बोर्ड देखा भारत यात्रा का तो पूछने लगे। तो हेलो भैया, हेलो। और भैया का ये टी शॉप है, बोले कि चाय पी के जाना, तो अभी चाय पीते हैं फिर चलेंगे चेन्नई की तरफ, और क्या पता पौंडीचेरी भी चला जाऊँ अगर जल्दी पहुँच जाता हूँ तो, देखते हैं।
कहाँ तक पहुंच पाते हैं भाई। चाय जबरदस्त है अपने हरियाणा की तरह, भैंस के दूध की बनी हुई है चाय, जबरदस्त है मतलब। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। ये बड़े भाई है उनके और ये छोटे भाई है, इन्होंने मुझे रुकवाया था। तो फाइनली लिफ्ट मिल चुकी है ट्रक के अंदर और थोड़ा सा टाडा से थोड़ा सा पहले रह जाएगा, हाईवे से थोड़ा सा पहले रुक जाएंगे, वहाँ से 5-7 किलोमीटर रह जाएगा हाईवे जहाँ तक भैया छोड़ेंगे। तो भैया के साथ अभी चल रहे थे, थैंक यू भैया, भैया के साथ चल रहे थे हाईवे के अंदर। बात करते करते पता चला भैया बिहार से है, तो भैया से पूछते हैं कहाँ से। नमस्कार भैया। कहाँ से आप? बिहार बेतिया जिला से हूँ। अच्छा, फिलहाल अभी मेरा घर जो है यहाँ चेन्नई में आया और बिहार में भी है। जी जी। और मैं यहाँ 12 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा जी। और अभी अभी कहाँ जा रहे हो? जी अभी मैं कलाश्री आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बॉर्डर पे जा रहा हूँ। अच्छा, तमिलनाडु के बॉर्डर पे। जी तो मैं चेन्नई जा रहा हूँ, तो कितना किलोमीटर मैं? जी यहाँ से चेन्नई आपका 140 किलोमीटर आएगा। अच्छा, इसमें आपको मैं 70 किलोमीटर छोड़ दूंगा, वहाँ से 70 किलोमीटर आपको जाना होगा। तो 70 किलोमीटर की भैया ने हेल्प कर दी है और आप देख ही रहे हो मेरे ना इसी यात्रा के अंदर कितने बिहार के लोग मिल रहे हैं, जो गाड़ी रोक रहे हैं, ट्रक रोक रहे हैं और बहुत हेल्प कर रहे हैं अलग अलग स्टेट में। वो भी सबसे ज्यादा सेवा मेरे को ड्राइवर भाइयों से मिलती है, ट्रक ड्राइवर मेरी बहुत ध्यान रख रहे हैं बहुत ज्यादा, और सबसे ज्यादा यात्रा मैंने ट्रक में ही करी है भैया। आप लोग ट्रक में यात्रा करके ट्रक ड्राइवर आपका मदद करते हैं, आप दुनिया के हर आदमी का मदद करते हो, परेशान में परेशानी में है, वीडियो के माध्यम से आप सब आदमी मदद करते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भैया। यार बिहार के लोग देखो कितने प्यारे प्यारे लोग है ना। भैया पूछ रहे पहले तो कुछ खाया पिया, पहले तो पानी पिलाया और उसके बाद बोले कुछ खाया पिया कि नहीं आपने। मैंने कहा मैं फुल पेट हूँ भैया, अभी मंदिर के अंदर पूरा भंडारा वगैरह खा के आया हूँ, लंच करके आया हूँ। कह रहे नहीं नहीं सच सच बताओ। मैंने कहा सच में। फिर मैंने कहा ठीक है, कह रहे चलो अभी। फिर रोक दिया, कह रहे क्या लोगे ठंडा पानी क्या क्या। मैंने कुछ नहीं पेट, नहीं नहीं ऐसे तो जाने देंगे ही नहीं तुम्हें, कह रहा अभी रुको मैं लेके आता हूँ। तो भैया गए हैं कुछ लेने के लिए। तो ऐसे है यार बिहार के लोग ना बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं सच में, अलग अलग स्थान पे हैं लोग, अपने कुछ ना कुछ कार्य की वजह से किसी ना किसी स्टेट में है, है ना। बट क्या कहते हैं, बहुत प्यारे हैं हर जगह पर लोग, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। उनका जो दिल है ना बहुत बहुत साफ है यार, बहुत क्लियर है। मैं कम से कम 1 घंटे से लिफ्ट मांग रहा था, अभी तक लिफ्ट नहीं मिली, पर भैया ने एक बार ही हाथ दे दिया मैंने और एकदम से रोक ली। तो ये होता है यार प्यार, देख रहे हो आप भाइयों का प्यार देख रहे हो। मैंने मना किया फिर भी भैया ना स्लाइस लेकर आ गए। भैया दो दो बोतल जरूरी नहीं थी, एक में हो जाता। देख लो यार प्यार, देखो यार भाइयों का। आंध्र प्रदेश को क्रॉस करके मैं आ चुका हूँ तमिलनाडु स्टेट के अंदर। ये तमिलनाडु का है, तो एंटर कर चुका हूँ तमिलनाडु स्टेट के अंदर। थैंक यू सो मच भैया। तो भैया की एक फैक्ट्री में आ गया हूँ, एक खुशखबरी देता हूँ। हाँ जी, हाँ 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 मैं वेट कर रहा हूँ, आता हूँ।
इसी ट्रक में मैं आया था और भैया कह रहे मैं भी आया माल खाली करवा कर, और भैया के एक खुशखबरी दे दी है, बोल रहे पौंडीचेरी की एक गाड़ी जाएगी उसमें आप बैठ जाना और पौंडीचेरी चले जाना। तो मैं जा रहा हूँ चेन्नई नहीं पौंडीचेरी नए सफर में यार, यूनियन टेरिटरीज है पौंडीचेरी चलते हैं पहले। तो फाइनली भैया ने शिफ्ट कर दिया दूसरे ट्रक में, थैंक यू सो मच भैया, इसमें लगा के अभी चेंज किया और अंकल के साथ हम जा रहे हैं। सेटिंग वगैरह सारी हो चुकी है और अब चल रहे हैं पौंडीचेरी की तरफ। तो अभी ट्रक की ब्रेक लगी है और पीछे ट्रक खड़ा रखा है और अंकल जी ने अभी कुछ ऑफर किया मेरे को, कह रहे कुछ खा पी के चलते हैं और हम खा रहे हैं इडली ना अंकल, इडली नहीं, थैंक यू इडली। तो अंकल ने इडली ऑफर किया है, अभी इडली खाते हैं हम। थैंक यू सो मच। तो भैया पहुंच गया पौंडीचेरी, सुबह के बज रहे हैं 6, अभी पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं, पर छोड़ दिया है अंकल जी ने मेरे को, बाय बाय। यार पौंडीचेरी आ चुका हूँ मैं और अंकल जी ने मेरे को यहाँ तक छोड़ दिया पौंडीचेरी के अंदर, मेरे होस्ट के घर जाऊँगा अब मैं थोड़ी देर बाद। तो बहुत अच्छा लगा यार अंकल के साथ, बहुत प्यारे लोग हैं यार। तो देखो यार कितना प्यार दे रहे हैं ना, कितना प्यार दे रहे हैं लोग सच में।